ओ भूर्भुव स्वसुर्वरेण्यम भर्गो देवाश्वधमह धो न प्रचोदया ओम शांति 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 दोस्तों के और मैत्री की कथा मैंने एक और वीडियो में भी सुनाई थी ये विषय इतना रोचक और इतना शिक्षाप्रद है कि जितने भी इसके वीडियो बनाए जाएं कम ही हैं तो कुछ नई चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा और इसको ध्यान से सुनना इनके बारे में इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूं महर्षि याग्ञवल्के और उनकी विदोषी पत्नी जो थी मैत्री के बारे में पहले वीडियो में विस्तार में समझ बता चुका हूँ तो सुनिए इस कहानी के द्वारा और कुछ जो है ब्रह्म विद्या और आत्म विद्या पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की जाएगी महर्षि यागवल्के की विद्वता की चर्चा पहले की कथा में बतला चुकी है उनकी तेजस्विता के बारे में भी बताया जा चुका है कि किस प्रकार जनक की सभा में उनके प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण गर्वोन्मत विदग्ध का सिर धर्म से अलग हो गया था यागव की चर्चा रामायण आदि में भी आई है उनकी बनाई हुई स्मृति का आदर आज भी मानव समाज में होता है इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि वे अपने समय की बेजोड़ पंडित और ब्रह्म ज्ञानी थे बड़े बड़े ऋषि मुनियों से लेकर राजाओं के दरबार तक में उनकी विधवता की पूजा होती थी मिथिला के राजा जनक के यहाँ तो उनका बहुत सम्मान होता था ब्रह्म ज्ञानी राजा ने स्वयं यागवल कैसे ही दीक्षा ग्रहण की थी ऐसा है कुछ जो इतिहासकार हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो मिथिला के राजा जन जनक जो हैं ये कोई और थे चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कौन से ये जनक थे कौन से नहीं थे हमें तो ये शिक्षा क्या मिलती है इससे उस पर कंसंट्रेट करना है उन महर्षि यादवल की दो इस पत्नियां थी एक का नाम था मैत्रेयी दूसरी का कातियानी वे भी परम विदुषी और पति की सेवा में सदा तत्पर रहने वाली थी महर्षि के, के सफल एवं सुखी जीवन में उनकी इन दोनों अर्धांगनियों का प्रमुख हाथ था वे उनकी आश्रम का सारा काम संभालती थी और शिष्यों को पढ़ाने लिखाने में भी सहायता पहुंचाती थी आश्रम में कहाँ क्या हो रहा है कहाँ से कौन सामान आएगा आज किस निर्बल विद्यार्थी को किस सबल विद्यार्थी ने एक पीटा है इन सब बातों का भी दोनों पूरा पता रखती थी और आवश्यकता के अनुसार सबकी उचित व्यवस्था भी रखती थी इन्हीं सभी झंझटों से फुर्सत पाकर महर्षि व ने अपने शास्त्र चिंतन में रात दिन लगे रहते थे विद्यार्थियों को पढ़ाने लिखाने में से जो कुछ समय बचता था उसे ब्रह्म विद्या चिंतन ब्रह्मचिंतन या आत्मा अनुशीलन में लगाती थी इसी का यह परिणाम था कि उनके उनके थोड़ी ही अवस्था में उनके जितना बड़ा विद्वान कोई दूसरा आचार्य नहीं हुआ मैत्रेयी और कात्यान दोनों ही समान रूप से गुणशालिनी तथा सदाचारिणी थी और तन मन से पति की सेवा में लगी रहती थी पर काप्यानि को अपने मनोहर रूप तथा यौवन की भी थोड़ी चिंता रहती थी दिन रात के बीच में थोड़ा समय बचाकर वह अपने सुंदर शरीर की भी सजावट आदि एक बार कर लेती थी और इस बात का सदा ख्याल रखती थी कहीं वेशभूषा इस या सजावट में कोई कमी तो नहीं है महर्षि यागवल्का का स्नेह दोनों पत्नियों पर समान था वे कात्यानी के श्रृंगार सौंदर्य या यौन के प्रति कभी आसक्त नहीं थी मैत्री भी सदा छोटी बहन के समान कात्यानी से स्नेह रखती थी उसके श्रृंगार सजाव को लेकर उनके मन में कभी कोई दुर्भाव पैदा नहीं हुआ धीरे <coughs> धीरे-धीरे जवानी के दिन बीत गए, महर्षि भ्रमर के समान काले बाल पक बर... कर सन की भांति सफेद हो गए और तेजस्वी मुखमंडल में झड़ियां पड़ गई नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई और हाथ पांव थोड़े ही श्रम से दुखने लगे जहाँ रात दिन छात्रों को पढ़ाने लिखाने और दूर दूर के यज्ञ हवनादि में सम्मिलित होने का उत्साह हृदय में छलकता रहता था वहाँ संसार को उसकी देख विराग के घने बादल छा गए इंद्रियों के साथ मन में भी शिथिल हो गया अब शास्त्रीय वाद विवादों या शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा मैं तो आकांक्षा जाने कहाँ विलीन हो गई मैत्रेयी और कात्यानी के शरीर का भी यही हाल हुआ याग्वल के समान मैत्री भी संसार के एक सुखों से विरक्त होने लगी घर गृहस्थी व आश्रम की उतनी चिंता नहीं रह गई शरीर की ओर थोड़ी बहुत चिंता जो जवानी में थी वह भी और भी समाप्त हो गई रात दिन के बीच में ब्रह्म का ध्यान करने के अतिरिक्त जो कुछ समय बचता था वह पति की सेवा और आश्रम के शिष्यों की देख रेख में वह लगाती चौबीस घंटे में एक बार खाती और मुश्किल से चार घंटे सोती पर का कुछ दूसरा ही हाल था शरीर के सब अंग यद्यपि शिथिल हो गए थे पर सांसारिक विषय भोगों से उनका मन भरा नहीं था बल्कि कहना ये चाहिए कि वह उत्तरोत्तर सांसारिक विषयों की ओर अधिक कि चली गई मैत्री की देखा देखी वह थोड़ी देर तक यदि आश्रम के कामों में लगी रहती या ईश्वर का ध्यान करती तो अधिक देर तक सोती और विश्राम सोती और विश्राम करती वृद्धावस्था को छिपाने के लिए उन्हें श्रृंगार की शरण लेनी पड़ती यागवल के और मैत्री की विरक्ति पर वह मनीमन मन कुर्ती कि पता नहीं इन दोनों का सिर क्यों इस तरह फिर गया है एक दिन सायंकाल महर्षि के जलाशय से संध्या आदि से निवृत्त होकर वापस लौट रहे थे कि बीच मार्ग में मैत्री मिल गई याग्वल्के का मन बहुत भारी था आश्रम के झंझटों से भी बहुत खीन हो गई थी मैत्रेयी को बुलाकर उन्होंने कहा सहचरी मेरा मन अब गृहस्थी से भर गया है हृदय में आश्रम संभालने का उत्साह अब नहीं है मैं गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ तुम्हारी इस विषय में क्या राय है मैत्रेयी मुनि की मुख मुद्रा से परिचित हो गई थी इधर उन्हें भी गृहस्थी के कार्यों से विरक्ति सी हो चली थी इसी को निवेदन करने के लिए वह बीच मार्ग में पहले ही से खड़ी हुई थी अतःयाग्वल की बातें सुनकर उन्हें कोई विषम नहीं हुआ पीछे पीछे चलती हुई भी, भी, में वह बोली देव गृहस्थ आश्रम से संन्यास ग्रहण करने की बात तो सही है पर आश्रम कौन चलाएगा देश देश के सहस्रों ब्राह्मण कुमार आपके भरोसे घर द्वार छोड़कर जो यहाँ आए हुए हैं उनका पठन पाठन एकदम बंद हो जाएगा आपके बाद आश्रम बंद हो जाने से देश की बहुत बड़ी हानि होगी क्या इस बात पर भी कभी आपने विचार किया है या गोल पथ पर चलते हुए कहा मैत्री आश्रम की चिंता नहीं मुझे अब तक बांध रखा है तुम कैसे जानती हो कि मैंने इस पर कभी विचार नहीं किया है मैत्री बोली तो फिर आपके सन्यास ग्रहण कर लेने पर आश्रम कौन चलाएगा या गबल कहा हरित की योग्यता अब ऐसी हो गई है कि मेरे न रहने पर वे आश्रम का काम काल संभाल लेगा यह बातें कहते कहते यागवल के आश्रम के द्वार पर पहुंच गई जहां बैठकर कात्यानी भी निवारों को पीटकर चावल नकार रही थी याग्वल के कुशासन पर बैठ गई मैत्री आश्रम में चली गई और कात्यानी सूर्यास्त हो जाने के कारण दीवट से दीपक उठाकर जलाने के लिए भीतर चली गई थोड़ी देर तक आश्रम में नीरवता छाई रही फिर यागवल्कर ने मैत्री को अपने पास बुलाया और बैठने का इशारा कर थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद कहा सहधर्मिणी सचमुच मेरा मन विरक्ति से भर गया है और मैंने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करने का निश्चय पक्का कर लिया है इसलिए मैं चाहता हूं कि घर की सारी संपत्ति तुम दोनों में अपने सामने ही आदि आदि बांट दो जिससे तुम दोनों में आपस में कोई झगड़ा झंझट न हो क्योंकि कात्यानी का, का स्वभाव कुछ रूखा और स्वार्थी है या जो वल्क की बातें सुनकर भी मैत्री चुप बनी रही वह सोचने लगी कि मनुष्य अपने पास की किसी भी वस्तु को छोड़ने के लिए तभी तैयार होता है जब उसको पहले की अपेक्षा कोई अधिक अच्छी वस्तु मिल जाती है बिना अधिक पाने की आशा से कोई निकृष्ट वस्तु छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं होता महर्षि घर बार एवं सांसारिक वैभव प्रतिष्ठा को छोड़कर जो संन्यास ले रहे हैं तो इन्हें इसे भी कोई अधिक मूल्यवान वस्तु मिलने की आशा होगी उस अमूल्य वस्तु के सामने ये सांसारिक वैभव एवं घर बार को अति समझते होंगे तभी तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं वह अमूल्य वस्तु ऐसी कौन सी है जो इनके समान विद्वान एवं पारदर्शी में भी लालस पैदा कर रही है निश्चय ही वह संसार के दुख द्विंद्व से मुक्त दिलाने वाली वस्तु होगी क्योंकि ये रात दिन उसी चिंता में लगा रहते थे मुझे लगता है कि बहुत दिनों के चिंतन के बाद ये इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि उस परम तत्व के पाए बिना वास्तविक सुख शांति एवं संतोष नहीं मिल सकता वह परम तत्व अम, तव ही है और कुछ रा दूसरा नहीं है क्योंकि बातचीत के प्रसंग में इन्होंने कई बार उस अमर तत्व की बड़ी प्रशंसा की है वह अमर तत्व क्या है यही जो इंद्रादि देवताओं को मिला है नहीं यह तो नहीं है इंद्रादि को भी कहाँ सच्ची सुख शांति मिली है रात दिन असुरों के भय से जिसे ठीक नींद नहीं आती वह सच्चा अमर नहीं है सच्ची अमरता तो उस परमात्मा के पाने में है जिसके लिए सारा संसार व्याकुल रहता है निश्चय ही प्राणपति उसी परमात्मा को प्राप्त करने वाली अमरता के लिए संसार के वैभवों को त्रस्त कर, करने को तैयार हुए हैं इत्रे मन ही मन बड़ी देर तक मैत्री गुणती रही यागवल्क्य को उनका न टूटने वाला मौन खल गया वे फिर बोले गृहिणी क्या तुम इसके लिए तैयार नहीं होगी गृहस्थी का सब सामान आधा-आधा बांट दिया जाए यदि तुम समझती हो कि मेरे चलाने के बाद कात्यानी के साथ तुम्हारी ठीक पट जाएगी और कभी कोई झंझट नहीं उठेगा तो बांटने की कोई जरूरत भी नहीं है पर मुझे अंदेशा है कि कात्यानी इस पर राजी नहीं होगी मैं तेरी चुप नहीं रह सकी हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोली महर से क्या आप उसी अमरता को प्राप्त करने के लिए इस गिरस्थाश्रम को छोड़ रहे हैं जिसकी चर्चा पहले किया करते थे याग के मुस्कुराए थोड़ी देर तक मैत्री की ओर विस्मित से ताकने के बाद तो बोले। हाँ तुम्हारी अनुमान ठीक है मैं उसी अमरत्व की उपासना के लिए ही इस गृहस्थी को छोड़ रहा हूँ इन सांसारिक झंझटनों के बीच में रहकर कोई कोई उसकी सच्ची उपासना नहीं कर सकता मैत्री अपनी सहज गंभीरता को छोड़ने की यागवल के कि बातों ने उसको हाँ तुम्हारा अनुमान ठीक है मैं उसी अमर की उपासना के लिए ही इस गृहस्थी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि इन सांसारिक झंझटों के बीच में रहकर कोई उसकी सच्ची उपासना नहीं कर सकता मैत्रेयी अपनी सहज गंभीरता को छोड़ नी याग्ञवल्क्य की उक्त बातों ने उनके निर्मल मानस से कई एक नई जिज्ञासा की भावना पैदा कर दी हाथ जोड़ कर वह पुनः बोली देव क्या मुझे उस अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती मुझे यदि धन्य ध्यान से परिपूर्ण ही सारी पृथ्वी मिल जाए तो क्या उसके द्वारा मैं अमृतव की प्राप्ति कर सकती हूँ याज्ञ वैल्य ने कहा नहीं कदापि नहीं धन धन्य समेत पृथ्वी की प्राप्ति से तुम धनिक बन सकती हो सांसारिक भोग विलास से भरा हुआ अतृप्त जीवन बिता सकती हो पर उसके द्वारा अमर की प्राप्ति तो कभी नहीं हो सकती मैत्री तुरंत बोलो कि महर से जिस दिन धन्य से मुझे उस अमर की प्राप्ति कदापि नहीं होगी जिसके लिए आपको यह घर बार जैसे कुछ मालूम हो रहा है और बड़ी प्रसन्नता से आप सबको त्याग कर रहे हैं तो भला उसी धन ध्यान को बांटकर आप मुझे क्यों देना चाहते हैं क्या आप मुझे उस अमूल्य निधि से वंचित रखना चाहते हैं जिसके लिए स्वयं इतना बड़ा त्याग करने जा रहे हैं यागवल गंभीर बन गई थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले मैत्री तू मेरी सच्ची सहदर्मिणी है मैं तुझे उस अमूल्य निधि से वंचित रखना नहीं चाहता पर मैं ये भी नहीं चाहता कि जबरदस्ती से अपना विचार या निश्चय तुझ पर लाद दूं। मैत्रेयी ने कहा देव यदि आप मुझे अपनी सच्ची सहधर्मनी नहीं मानते हैं तो यह प्रश्न उठता ही नहीं कि आपके विचार या निश्चय मुझे भार के समान मालूम पड़े मैं तो अपनी श्रद्धा और भक्ति से आपके आदेशों का सदा पालन करती आई हूँ और फिर उस अमरत्व की प्राप्ति के लिए तो मैं सब सप्तः लालयित हूँ जिसके लिए आप जैसे विद्वान एवं पारदर्शी इतने उत्सुक हो रहे हैं देव मुझे इन सांसारिक वैभवों के भोग की सोपन में भी आकांक्षा नहीं है मैं चाहती हूँ केवल आपके चरण कमलों की सुखद छाया और वही मेरे जीवन की परम साधना है मुझे विश्वास है कि मैं उसी में बैठकर उस परम तव की अमर तव की प्राप्ति कर सकूं मैत्री के सुधा <coughs> सुधावर्षी मुखचंद्र की और महर्षि यागवल्के के दोनों नेत्र चकोर की भांति निरिमिष बन गई निर्दिन के गंभीर स्वर के समान मैत्री के शब्दों के कानों को परम सुख देते हुए शुभ हृदय पर अंकित हो गई उनकी निर्मल अंतरात्मा से वास्तविक आनंद का अविरल स्रोत फूट पड़ा रोमाग्नि खड़ी हो गई कंबुकंठ में स्निग्धता व्याप व्याप्त होगी मैत्री की निस्वार्थ सेवा का चिर जीवन आज मूर्तमान होकर उन्हें पहली बार दिखाई पड़ा आश्रम के बाहर चांदनी की चादर बिछ रही थी यागवल्कर ने समझा यह मैत्री की सेवा का स्थूल शुभ रूपी है जो अपनी महिमा मई धवलिमा में, में दिगंधक को दी को डुबा रही हैं, थोड़ी देर तक वे इस परमानंद में डूबते उतरते रहे फिर साहस में बोले पहले भी तुझे मैत्र हृदय में कात्यानी से अधिक था। और इस अनिति में अपनी समदर्शिता के ढोंग को मनी मन उतार देता था पर अमृतम अमरो अमृतोपम वाक्यों से मेरे मन में तेरा वह प्रेम बहुत अधिक बढ़ गया है तू तो वास्तव में देवी है तू तो यहाँ मेरे समीप आ जा मैं तुझे उस अमृतों का उपदेश करूंगा मेरी को भली सुनकर उनका मनन करना धन्य हो गई और हाथ जोड़कर महर्षि याग्वेल्कर के चरणों पर गिर पड़ी उसकी आंखों से प्रेम की मोती निकल पड़ी वृद्ध याग्वेल्कर ने अपनी सशक्त बाहुब से उठाकर उसे गले लगा लिया और सम्मान पूर्वक बैठा कर प्रियतम रूप से आत्मा का वर्णन आरंभ करती देवी का मैत्रिपति की कामनाओं से स्त्रियों को पति प्रियतम नहीं होता प्रत्युत आत्मा की कामनाओं या प्रयोजनों के लिए प्रियतम होता है इसी तरह पुरुषों को स्त्री की कामनाओं से स्त्री प्रियतमा नहीं होती वरन आत्मा की कामनाओं से होती है हे प्रिय यहाँ पर मैंने आत्मा की कामनाओं से प्रियतम या प्रियतमा होने की जो बात कही है उसे जरा ध्यान देकर समझो कुछ अटपटी बात है मैं त्रेय बोली महर से मेरी समझ में भी ये बात नहीं बैठ रही यहाँ आत्मा की कामनाओं से आपका तात्पर्य अपने शरीर की कामनाओं से तो नहीं है किंतु आत्मा तो शरीर है ही नहीं वह तो एक निराली ही वस्तु है जिसका कभी नाश नहीं होता शरीर तो अक्षण भर में नष्ट होने वाली वस्तु है मैं जानना चाहती हूँ कि वह आत्मा क्या है यागवेल्कर ने दाहिना हाथ उठाकर कहा मैत्री बहुत से लोग आत्मा का मतलब शरीर से समझते हैं वे मूर्ख यह मानते हैं कि यह शरीर ही आत्मा है और इसी निश्चय पर वे रात दिन पेट पूजा और भोग विलास में लगे रहते हैं और कुछ कहते हैं कि अब तक शरीर के भीतर जीव है तभी तक संसार है मरने के बाद कुछ नहीं है इसलिए यहाँ इसे जितना भी आराम पहुँचा जा सके ठीक है ऐसे लोग परलोक नहीं मानते अर्थात मरने के बाद आत्मा समाप्त हो जाती है वो यही कहते हैं और उसी भी नश्वर आत्मा के लिए वास्तविक आत्मा का मतलब निकालते हैं पर बात बिल्कुल दूसरी है या आत्मा से मतलब आत्मा के लिए है अर्थात जिस वस्तु या जिस संबंधी से अपनी आत्मा की उन्नति हो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके वही सबसे अधिक संसार में प्रिय है इसलिए कहा भी गया है कि आत्माएं पृथ्वी त्यजे अर्थात अपने उद्धार के लिए मनुष्य को यदि पृथ्वी भी छोड़नी पड़े तो छोड़ दे हे मैत्रेयी इस विशाल संसार में जो कुछ भी वस्तुएं हैं, वे सब आत्मा की कामनाओं या प्रयोजनों के लिए ही प्रिय हैं। यह अपनी आत्मा ही संसार के समस्त प्रिय वस्तुओं का आधार है संसार का सारा प्रेम इसी के भीतर छिपा हुआ है इसलिए वास्तव में यही सबसे अधिक दर्शन करने योग्य श्रवण करने योग्य मनन करने योग्य और निरंतर ध्यान करने योग्य है ही प्रिय इसी के दर्शन श्रवण मनन चिंतन और साक्षात्कार से संसार में सब कुछ जाना जा सकता है यही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है मैं आत्मा की इस महान शक्ति की बातें सुनकर विस्मित हो रही थी आज तक उसके ध्यान में ब्रह्म का दूसरा ही रूप विराज रहा था आत्मा को छोड़कर ब्रह्म के पीछे ही उसकी सारी साधना लगी थी यागवल्के की इस नवीन व्याख्या से उसकी चिंतन शक्ति व्याकुल हो गई बीच में ही हाथ जोड़कर बोल पड़ी देव आज तक मैंने ब्रह्म ही को संसार में सबका आधार माना था और संसार के समस्त प्रिय वस्तुओं का आधार भी उसी ब्रह्म में मानती थी और सर्वत्र अग जग में उसी को ढूंढती भी थी तो क्या इतने दिनों की मेरी साधना निष्फल हो रही <coughs> मैत्री नहीं तुम्हारी साधना नहीं रही पर आत्मा को छोड़कर बाहरी संसार में जो ब्रह्म के ढूंढने का उपक्रम करता है वह ब्रह्म से दूर हो जाता है यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है और ब्रह्म जगत स्वरूप है अर्थात जगत की समस्त वस्तुएं ब्रह्म में हैं। और जगत स्वरूप अर्थात जगत की समस्त वस्तुएं वस्तुए हैं इसलिए इसी आत्मा में ही सब जगत को ढूंढना चाहिए आकाश पाताल पृथ्वी पहाड़ नदी नद ब्राह्मण अक्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल, वेद शास्त्र देव असुर अर्थात सभी चराचर जीव आत्मा हैं। अतः जो आत्मा को छोड़कर बाहर इनको ढूंढने का प्रयास करता है वह इन सबसे दूर हो जाता है सुनो इसे उदाहरण देकर समझाते हैं जैसे जब ढोल या मृदंग बजाया जाता है तो हम कोई भी उसकी बाहरी आवाज़ को नहीं पकड़ सकते उसे तभी पकड़ सकते हैं जबकि ढोल या ढोल बजाने वाले को पकड़ ले लें उसी इस आत्मा से ही ऊपर की सभी वस्तुओं का जन्म होता है जब हम सबके जनक आत्मा को पकड़ेंगे तभी सबको पकड़ सकते हैं हे प्रिय जैसे गीले इन से अनेक धाराओं में धुएं निकलते हैं उसी तरह इस महान आत्मा से यजुर्वेद और अन्य विद्याएं निकलती हैं उसी को प्राप्त करने के बाद सबकी प्राप्ति हो सकती है मैत्रेयी ने कहा महर से क्या उस आत्मा में इन जीवादिकों की प्रत्यक्षता का कोई पता लग सकता है <coughs> याग्वल के बोले मैत्रेयी जैसे नमक का एक टुकड़ा पानी में पड़कर उसी में मिल जाता है और उसको पानी से अलग नहीं कर सकते किंतु जहाँ कहीं से भी जल को ले लें उसमें नमक होता है उसी प्रकार इस महान आत्मा में सब जीवादि मिल जाते हैं उसके बाद उनका कोई पृथक नामो निशान नहीं रहता यह आत्मा अनंत अपार और विज्ञान में है सभी जीवादि इसी में से निकलते हैं और अंत में समाविष्ट हो जाते हैं मैत्री बोली भगवान आप जो यह कह रहे हैं कि सभी जीवादि इस आत्मा में मिलने के बाद अपनी पृथक संतान ही रखते उनके नाम निशान शब्द के लिए मिट जाते हैं यह सुनकर मैं बहुत चकरा गई हूँ कृपा मुझे ऐसी बातें बदला कर मोहित न करें याजवलकर ने गंभीरता से कहा प्रिय मैंने तुम्हें मोहित करने के लिए यह सब नहीं कहा यह सारी बातें तुम्हें जाननी चाहिए देखो जब तक मन में इस आत्मा के साथ एकता का भाव नहीं जाग जाता तभी तक प्राणी अपने से भिन्न एक दूसरे को देखता है एक दूसरे को सुनता है एक दूसरे को चकता है एक दूसरे से बोलता है एक दूसरे की सुनता है एक दूसरे पर मनन करता है एक दूसरे को छूता है एक दूसरे को जानता है पर जहाँ सब में आत्मा का ज्ञान हो जाता है अर्थात सब में सर्वात्म भाव जाग उठता है अपने में एक की धारणा हो जाती है तब संसार की समस्त वस्तुएं आत्मा ही, ही ऐसा प्रतीति होने लगती है और दूसरे को देखने बोलने, सुनने मनन करने छुने और जानने का सवाल ही नहीं उठता हे प्रिय यह आत्मा सच समझो कि अवर्णनीय है इसका वर्णन नीति नीति अर्थात यह नहीं ऐसा नहीं कहकर किया जाता है यह अग्राह है अर्थात इसको ठीक ठीक से कोई पकड़ नहीं सकता यह अशीर है अर्थात कभी पुराना नहीं होता असंग है अर्थात कभी किसी में आशक्त नहीं होता बंधन रहित है समझो आत्मा के संबंध में इससे बढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है और यही सच्ची मुक्ति को प्राप्त करने का महान साधन है मैत्री महर्षि के उपदेश मृत को पान करके धन्य हो गई वह अमर बन गई संसार की व्याधियों का भय उसने न सदा के लिए दूर हो गया कात्यानी खड़ी खड़ी याज्ञ बल के और मैत्री के सटपटे संवाद को देर से सुन रही थी पर उनकी समझ में आत्मा की इस महत्ता का बोध केवल इतना ही हुआ कि घंटों से होने वाली भगजग को बंद करने के लिए बीच में रुके सबर से बोल पड़ी बहन आपको ध्यान नहीं दे है कि रात हो गई और अभी तक कल के लिए तंडुल का प्रबंध नहीं हुआ याग के मुस्कुराये मैत्री अनमनी खड़ी रही कात्यानी को इतनी समझ आ गई थी कि मैत्री कोई उत्तर देताने देख दीवट की आड़ से भीतर चली गई बाहर आश्रम के मृग शावकों की मंडली आनंदायनी निर्मल चांदनी रात का आनंद लूट रही थी थोड़ी देर तक छात्रों की शाला से वे ध्वनि के सामूहिक एसफुट सबर गुंजन बनकर शीतल मंद सुगंध पवन के साथ वातावरण को संगीत में कर रहे थे यागवल के बोली मैत्री कल प्रातः काल ही हमारे आश्रम को संन्यास्त करने की शुभ घड़ी होगी अब तुम क्या चाहती हो मैत्रेय को अब विकल्प कहाँ था उसने विनित स्वर में कहा आराध्या चरण में आपके मार्ग में कंटिक नहीं बनूंगी मेरी चाह है कि मैं पुष्पी कली बनकर आपके पावन चरणों की तरफ से अपने को धन्य बना लूं अब मुझे जगत में कामनाओं की माला गोथने की आकांक्षा नहीं है मैं भी वहीं रहूंगी जहां आपके सुगत साचर्य का अमूल्य अक्सन मिलेगा इस प्रकार जो है पति पत्नी ने संयास लेने का अपना बना लिया और कात्यानी ने जो है अपना गृहस्थ जीवन जो सांसारिक जीवन है उसी में खुश रहेगी ऐसा मतलब मन बना लिया था दोस्तों तो नमस्कार इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना नमस्कार 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 नमस्कार, नमस्कार।